जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज हम जानेंगे फ्रेंड दूध से संबंधित चार उपयोगी टिप्स। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी टिप्स हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें नंबर फर्स्ट टिप्स है फ्रेंड दूध से संबंधित। अगर आप चाहते हो कि दूध में से मोटी मलाई निकले तो सामान्य मिल्क या गाय के दूध की जगह आपको फुल क्रीम मिल्क का उपयोग करना चाहिए। तो यानी कि जब भी घर में आप दूध लाते हो और चाहते हो कि उसमें से मोटी मलाई निकले तो इसके लिए आप फुल क्रीम वाले मिल्क का उपयोग ज़रूर करें, इससे दूध में मोटी मलाई बनती है। नेक्स्ट है, कुछ लोग दूध फ्रिज से सीधा निकाल कर उबाल देते हैं। ऐसा करने पर दूध में मोटी मलाई नहीं जमती है, इसलिए हमेशा दूध को उबालने से पहले उसे कुछ देर फ्रिज से बाहर निकाल कर सामान्य तापमान पर आने दें, उसके बाद ही दूध को उबालें। इसके अलावा जब भी आप दूध को उबालने के लिए रखते हैं तो कोशिश करें कि गैस को एकदम से बंद ना करें जब भी दूध उबल जाता है, क्योंकि उबलते दूध को अगर आप कुछ देर तक उसे धीमी आंच पर रहने देते हो तो इससे दूध में उबाल अच्छे से आता है और दूध अच्छे से क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है और उसमें मलाई भी अच्छे से बनती है। नेक्स्ट है, हमेशा उबले हुए दूध को जालीदार प्लेट से ढकें। यानी कि अपने घर में दूध जब भी आप उबालते हो तो एक जालीदार जाली ज़रूर रखनी चाहिए, जिसको आप दूध गर्म करने के बाद बर्तन के ऊपर रख सकते हो। अगर आप उसे स्टील या किसी प्लेट से ढक देते हैं तो ऐसा करने से दूध पर मोटी मलाई नहीं जमती है। दूध को ढकने के लिए हमेशा ऐसे बर्तन का उपयोग करें जिससे दूध में बनने वाली भाप आर पार हो सके, यानी कि आसानी से भाप बाहर जा सके। तो इसके लिए जाली सबसे बेस्ट रहती है, तो जाली ज़रूर लाइए अपने घर में, या जब भी दूध गर्म करते हो तो बर्तन के ऊपर जाली ज़रूर रखिए ताकि जो उसकी भाप है वो आसानी से बाहर निकल सके, क्योंकि इससे दूध में अच्छी मलाई बनती है। नेक्स्ट है, दूध जब उबलने लगे तो गैस का आँच कम करके उसे किसी चम्मच की मदद से लगातार 5 मिनट तक हिलाते रहें। यानी कि जब भी आप दूध गर्म करते हो, दूध उबल रहा है तो गैस की आँच कम करनी है और चम्मच की मदद से उसे 5 मिनट्स तक हिलाते रहना है। ऐसा करने से आप देखेंगे कि धीरे धीरे दूध से उठने वाले जो बुलबुले होते हैं वो कम होने लगते हैं और ऐसा होने पर गैस बंद करके दूध को रूम टेम्परेचर पर आने के बाद फ्रिज में रखते हैं। यानी कि दूध जब ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आ जाए दूध, तो उसमें उसके बाद आप उसे फ्रिज में आसानी से रख सकते हैं। तो ये थे फ्रेंड दूध से संबंधित कुछ उपयोगी टिप्स, खासकर मलाई कैसे बनती है दूध में, इससे रिलेटेड टिप्स। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय श्री कृष्णा दोस्तों।